घरेलू गैस के नए कनेक्शन के दामों में पेट्रोलियम कंपनियों ने बढ़ोतरी कर दी है। 142 किलोग्राम वजन के नए कनेक्शन सिलेंडर के लिए अब 2200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यह 16 जून से लागू होगी। अभी 1450 रुपये देने होते हैं। अगर कोई दो सिलेंडर का कनेक्शन लेगा तो उसे 4400 रुपये केवल सिलेंडर की सिक्योरिटी मद में देने होंगे। वहीं अब आपको नए कनेक्शन के लिए 142 किलोग्राम वजन के सिलेंडर के लिए अब 2200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 16 जून से नए दाम देने पड़ेंगे। अभी 1450 रुपये देने होते हैं। अगर कोई दो सिलेंडर का कनेक्शन लेगा तो उसे 4400 रुपये केवल सिलेंडर की सिक्योरिटी के मद में देने होंगे। पहले 2900 रुपये देने पड़ते थे। रेगुलेटर के लिए अब 150 रुपये के स्थान पर 250 रुपये खर्च करने होंगे। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की सिक्योरिटी रकम अब 800 के बजाय 1150 रुपये कर दिए गए हैं। वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को भी नई दरों से झटका लगा है। अगर इन लोगों ने अपने कनेक्शन पर सिलेंडर को डबल किया तो दूसरे सिलेंडर की बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि देनी होगी। हालांकि अगर उज्ज्वला स्कीम में किसी को नया कनेक्शन प्राप्त होता है तो सिलेंडर की सिक्योरिटी की रकम पहले वाली ही देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। बहुत असर पड़ेगा, ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत इफेक्ट है, क्योंकि अब जो मतलब एक एक पैसा करके जो कमाता है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो हर चीज़ को कैसे दिखेगा। ज़रा सा भी मतलब 10-5 रुपए का फर्क होता तो पता चलता है कि मैनेज कर लेते हैं, बट 150-144 ये सब बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ता है। जिनके पास गैस सिलेंडर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी वो कैसे मैनेज करेंगे, मेन दिक्कत है ये। अमीर लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीबों को, आम आदमी जो है उनको फ़र्क पड़ता है। जैसे हम जैसे लोगों को, हमें तो सबसे ज़्यादा फ़र्क इसलिए ही पड़ेगा क्योंकि हमें तो घर का सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है, खासकर एक लेडी को, कि मैनेज उसका बिजली सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए आम आदमी को ज़्यादा फर्क पड़ता है।